वतन है आपके, बरसात का मौसम है, मैंने आज सीटी होंठों में दबाए, मैं ऐवान के अंदर किया और वहाँ पे ऐवान के अंदर जरदारी साहब आई, हमने सीटी बजा दी और बस जरदारी साहब का हमने पुरतपाक खैर मकदम, जो एहतजाज हमने रिकॉर्ड कराया यही हक बनता था और हमें यकीन है कि पीटीआई के वर्कर आज पाकिस्तान भर में और एक्रॉस गिरफ्तारी का खर्चा तो नहीं है, मैं गिरफ्तारी की साथ तैयारी की समेत था। क्या तैयारी, क्या की है तैयारी? तैयारी मेरी कुछ गोलियां कम की बैग में वो मैंने डाल दी। सर जरदारी साहब गोलियां कौन सी थी? कौन सी? मैं डायबिटिक हूँ। अच्छा अच्छा डायबिटिक, मैंने कहा क्या जरदारी साहब के खिताब के बारे में, जरदारी साहब के खिताब के बारे में आप क्या कहते हैं? जरदारी साहब ने जो आज खिताब किया है, खिताब तो नहीं किया है, वो मुंह हिलाते रहे, बाकी तो खिताब बढ़ गया। खिताब इस तरह होता है, कोई लोग सुन लेते हैं, कोई सदर हम सियासी कैदी है, कोई ये अदालती कैदी नहीं है, न ये फौजदारी मुकदमात में कोई कैदी है, ये सारे मुकदमात जो हैं इनको इन्होंने सिर्फ अदालतों के जरिए मुकदमात में इल्तिवा के जरिए खान की असीरी को तवालत दी। जो खान साहब ने, जो खान साहब ने जेल में बोला है कि मुशर बीबी का अगर मर्डर होता है तो उसके जिम्मेदार आसिफ मुनीर साहब होंगे, आप इस बयान को कैसे देखते हैं? खान साहब हमारे लीडर का बयान है, हम उस पे 100% मोहर लगाते हैं। पीटीआई के लोगों ने इमरान खान का जो कैदी नंबर है वो जीडी के ऊपर वो नंबर लगाया, आप नहीं समझते कि उनकी तोहीन हो रही है? रिजीम चेंज में क्या कहना चाहेंगे आप? मैंने जो करार दिया था वो मेरी राय थी, तो कोई मेरी जुबान पे तालाबंदी तो नहीं कर सकता। आपने किस बयाफ पे अपनी राय दी? हाँ जी, किस बयाफ पे अपनी राय दी? जो लोग बड़े दानिश्वर सुकरात और बुकरात बनते हैं कि मैंने बिरादरी इस्लामी मुल्क तो कोई नहीं है, जो इज्जत हो इंडिया को दे रहा है उसका श्रेय शीर आपको नहीं दे रहा है। किस दुनिया में आप लोग सोए हुए हैं? आपके पास कोई फैक्ट्स भी थे? क्या आपके पास है, कोई सबूत है इसके? आपके पास आपके साइज के सबूत है।